गई हमारी बहू रानी खरीदारी करके। अरे मैं तो ऐसी बहू चाहती थी कि जो किसी पड़ोसन की साड़ी और ज्वेलरी देखकर अपने ऊपर काबू रखे, लेकिन मिली ऐसी बहू जो आए दिन मार्केट जाती है और भरपूर खरीदारी करके लाती है। थोड़ा सा ही सामान तो लाई हूँ सासू माँ। अरे ये थोड़ा सा सामान है? अरे कुछ छोड़कर भी आई है दुकानों में, ये सब कुछ उठाकर ले आई है। छोड़कर आई हूँ ना आपके लिए, दुकानों में बिल छोड़कर आई हूँ। अगर इसी तरह से तेरे बिल आते रहे ना तो कुछ ही दिनों में हमारी भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। मुझे भी तो आपसे पैसे भिखारियों की तरह ही मांगने पड़ते हैं। वैसे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो आपको भी है, आप भी तो पड़ोसन से कभी चावल कभी चीनी मांगती रहती है। तुझे इतना भी नहीं मालूम कि भीख और उधार में फर्क क्या होता है? अरे मैं तो उधार मांगती हूँ। उधार तो वो होता है जो लेकर वापस दे दिया जाए, लेकिन आपको लेना तो याद रहता है, देना आप भूल जाती है, क्यों सासू माँ? अरे तू काम ठीक से कर सकती है? तुझे दूध उबालने के लिए बोला था, नहीं उबाला, सारा फट गया, क्यों नहीं उबाला? दिन भर तो तू टेलीफोन पर गप्पे मारती रहती है, ये टीवी पर सास बहू के झगड़े देखती रहती है। अपने घर में झगड़े कम होते हैं क्या? क्यों टाइम वेस्ट करती है? कोई काम तुझे ढंग से करना आता है कि नहीं? ना तूने कपड़े धोए, ना तूने सफाई की, अरे कोई काम किया है कि नहीं? ऐसा कौन सा काम है जो तूने करके रखा हो? ना तो तूने घर की सफाई की, ना तूने रसोई का कोई काम किया। अगर काम करने का मन ना हो तो साफ साफ बता दिया कर। अरे मैं तुझसे जवाब मांग रही हूँ हर बात का, और तू करती जा रही है, जम्हाइयां लेती जाएगी, ये क्या तरीका हुआ बात करने का? अरे मैं जम्हाई लेने के लिए मुंह नहीं खोल रही हूँ, आपकी बातों का जवाब देने के लिए ही मुंह खोल रही हूँ, पर आप है तोप की गोली की तरह बरसती ही चली जा रही है, नॉन स्टॉप बोलती चली जा रही है। मुझे आप मौका देंगी तभी तो आपकी बातों का जवाब दूंगी ना। बहू मलाई इकट्ठी हो गई है, इसका मक्खन निकाल देना। मैं भी सुबह से काम कर रही हूँ, अब मुझसे और काम नहीं होता। अरे थोड़ा सा काम क्या कर दिया कि आसमान सिर पर उठाने लगी? हाँ हाँ, आपको तो मुफ्त की नौकरानी मिली हुई है, छोटे से छोटा काम भी आप मुझसे करवाती हैं, खुद तो हाथ भी नहीं हिलाती। जब बहू है तो सास को काम करने की क्या जरूरत है? अरे सास बनने का फायदा क्या हुआ? हाँ तो मैं भी आपकी बहू हूँ, कोई गुलाम नहीं हूँ, छोटे से छोटा काम करके मैं सारा दिन थक जाती हूँ, दो घड़ी भी चैन की सांस नहीं लेने देती आप। तो फिर ऐसा कर मुझे जहर दे दे, तुझे चैन मिल जाएगा हमेशा के लिए। अब ये काम भी मैं ही करूँ, आपसे खुद कुछ नहीं होता है क्या?